नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयर से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और याद करते हुए चलिएगा। जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा, उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। जो वायुमंडल की दोस्तों सबसे निचली परत है, उसे क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिख रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसे आपको कमेंट करना है, ठीक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसे दोस्तों इंग्लिश क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है? और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो उसका भी आंसर याद रखिएगा दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती है? आंधी, बादलों की गरज, बिजली की कड़क जो होती है, धूल कण, जलवाष्प, ये सब क्या होता है? क्षोभ मंडल में ही दोस्तों होता है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है, वायुमंडल की सबसे ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल बोला जाता है, एक्सोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है? उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत में किसको स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट भी करना है, ठीक है? कमेंट भी करते रहिए अगर जो आपको आ रहा है तो, ठीक है? नहीं आ रहा है तो याद करिए, ठीक है? देखिएगा, दूसरे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। भारत में किसको स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट करते रहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न बनता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन डाट में हुआ, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1932 में हुआ, ठीक है? तीसरा और पहला गोलमेज सम्मेलन, ये पहला क्वेश्चन बनता है, पहला कब कब हुआ दोस्तों? देखिएगा, पहला क्वेश्चन बनता है, पहला गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुआ? तो 1930 में दोस्तों पहला, और फिर पूछा जाता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन सेकंड कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 और तीसरा दोस्तों, ये तीसरा आपको तो यहां पूछा है 1932, ठीक है? तो याद रखिएगा, 30 31 32, 30 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा, ठीक है? तीनों को याद रखिएगा दोस्तों, तीनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी डब्ल्यू सी का फुल फॉर्म क्या होता है? विमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने, विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, जितने रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं, ठीक है? जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं पढ़ाता हूं, ताकि जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को दोस्तों आप याद कर लेंगे तो 70 से 80% किसी भी एग्जाम में दोस्तों आप तुरंत कवर कर लेंगे, क्योंकि 70 से 80% क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, बैक ईयर के पेपर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और आप किसी भी एग्जाम की दोस्तों तैयारी करिए तो क्या करिए, पहले बैक ईयर के पेपर को लेके भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और किस एग्जाम की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे भी आप बताइए, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है, सूर्य अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है? इसमें दिया है ऑप्शन नंबर पहला, गुरुत्वाकर्षण बल से, दूसरा है नाभिकीय विखंडन से, और तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय बल से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई
कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करता है, तो सूर्य दोस्तों नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो नाभिकीय संलयन इसमें किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे सूर्य अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से की प्रक्रिया से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, देखिएगा कौन कौन। बंगाल विभाजन को डॉट 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 में रद्द किया गया, पहला क्वेश्चन दोस्तों बनता है बंगाल विभाजन कब शुरू हुआ, बंगाल विभाजन किस सन में हुआ, ठीक है। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में शुरू हुआ, कब हुआ 1905, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ कन्फ्यूज ना होइएगा, 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन शुरू हुआ। अब बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है बंगाल विभाजन को डॉट डॉट में रद्द किया गया, यानी किस सन में रद्द किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन हमेशा पूछा जाता है 1905, और रद्द किया गया ये भी पूछा जाता है 1911, दोनों डेटों को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस मनाया जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा यह दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दसवां क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए दसवां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री हमेशा पूछा जाता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, जितने भी दोस्तों आपको क्वेश्चन आ रहे हैं याद है उनको दोस्तों आप कमेंट भी करिएगा, लास्ट में भी कमेंट करके बताइएगा, इन जो टॉप 25 आपके क्वेश्चन है, इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए, कितने आपको नए सीखने को मिले, ठीक है, यह मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, रेलवे एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया दोस्तों, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न है कोयला डॉट 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 सेल का एक उदाहरण है, रूपांतरित सेल का, अवसादी सेल का, आग्नेय सेल का, इनमें से कोई नहीं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला अवसादी सेल का एक उदाहरण है, किसका दोस्तों, अवसादी सेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट भी करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर राज्य में है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न इसमें बनता है, लोनार झील किस राज्य में, महाराष्ट्र में है, पुलिकट झील किस राज्य में, तमिलनाडु में है, ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हुसैन सागर झील किस राज्य में, ये भी पूछा गया प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में, ये सब इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन अभी देखने से पहले आपके लिए जो दोस्तों नए स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों पंचम पब्लिशर की एक बहुत ही अच्छी ईबुक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ 14 नंबर प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर, इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम रहेगा तो इस ईबुक को लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिया गया है जो बार बार आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ईबुक आपको मात्र ₹25 में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की
रहे आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों 14 नंबर प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, शिमला सम्मेलन की योजना का प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल ने रखा? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बॉवेल ने। ठीक है, लॉर्ड बॉवेल ने दोस्तों शिमला सम्मेलन योजना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने? तो लॉर्ड बॉवेल, याद रखिएगा। और दोस्तों एक और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, शिमला समझौता किस सन में हुआ था? ठीक है, किस सन में हुआ? तो 1945, याद रखिएगा 1945 में दोस्तों क्या हुआ था? शिमला समझौता। ठीक है, 1945, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1942 याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, डेट पूछे तो 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार बहुत ही बड़ी पुरस्कार है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, 14वां यानी मुख्य शिलालेख, 14वें मुख्य शिलालेख में दोस्तों अशोक के धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत आंसर देते हैं। प्रश्न है, लाल हरे व नीले रंग के मिश्रण से बनता है कौन सा रंग? अगर जो लाल हरा नीला तीनों रंग को दोस्तों एक में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला बनेगा, काला बनेगा, सफ़ेद बनेगा या भूरा बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद रंग बनेगा, याद रखिएगा, लाल हरा एवं नीला। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर स्टूडेंट सोच लेते हैं कि ये सब मिक्स कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, नहीं, ब्लैक नहीं होगा, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाल हरा एवं नीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ, पूछा जाता है पेपर में बहुत बार, ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, लाल हरा एवं नीला दोस्तों प्राथमिक रंग है, इन्हीं रंगों को मिला के सभी रंग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग याद रखिएगा कौन कौन है, लाल हरा नीला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न मैं बहुत बार करा भी चुका हूँ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप किसी विशेष चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस, जीके, जीएस, किसी भी दोस्तों चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो नीचे दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट करेंगे तो चैप्टर भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा, एकदम बेसिक से और एकदम अच्छे से। ठीक है, ताकि वो आप जीव को लिए वो जीवन में कभी कठिन ना लगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिएगा 20वां क्वेश्चन है, और खूब मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि नौकरी जल्द से जल्द आपकी लगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिपुर अधिवेशन के। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल।
ठीक है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो दोस्तों इन सब प्रश्नों को आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप दोस्तों मैं समय समय पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहता हूँ, सारे वीडियो को दोस्तों आपको लिंक भी मिल जाएगी, तो इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किसने किया? और ये प्रश्न दोस्तों क्या है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर गलत करते हैं। कहां पे गलत करते हैं देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किसने किया, ये चीज पूछा जाता है, तुरंत आंसर करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि गलत हो जाता है। देखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की पूछे दोस्तों इसकी स्थापना या संगठन किसने की थी, तो रास बिहारी बोस। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रास बिहारी बोस। जबकि दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछे तो क्या आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए कि ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलत आंसर करे। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं याद हो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथेंस किस देश की राजधानी है, ये प्रश्न है, एथेंस किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस की राजधानी कौन है, एथेंस। ठीक है, तो एथेंस किस देश की राजधानी है, ग्रीस की, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दूं, राज्य राजधानी भी दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जितने राज्य हैं उन्हें भी दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ है ये तो आपको याद ही होगा लगभग लगभग, नहीं याद होगा तो उसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी जो करीबी देश है, ठीक है, तो इन सब देशों को भी दोस्तों याद रखिएगा, जो देश नाम जिनको आपको सुनने में आता है उन सब देशों की राज्य राजधानी याद रखिएगा, मुद्रा याद रखिएगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम में इससे एक या दो प्रश्न हमेशा हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राज्य राजधानी से रिलेटेड प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए, जितने देश है दोस्तों उनके राजधानी क्या है, वहां की मुद्रा क्या है, आसपास के जिन देशों के नाम आप दोस्तों सुने हैं वो सब दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा आपका दो या तीन क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 25 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाला अपारदर्शी झिल्ली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक अभी कर दीजिए, शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, वहां पे दोस्तों आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लीजिए, इसे जब ऑन कर लेंगे दोस्तों तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।